हेलो मेरे देसी चटोरों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और फेमस कढ़ी की रेसिपी जो मेरी खुद की फेवरेट है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉल में 2 कप दही लेना होगा। दही आपका खट्टा होना चाहिए। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो इसे खट्टा कैसे किया जाए ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अब हम दही में 1/4 कप बेसन ऐड करेंगे, ये 5 टेबलस्पून के बराबर है। 1 कटा हुआ प्याज और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें दही और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमने 2 कप दही लिया था तो 6 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें गैस पे एक कढ़ाई रखनी है और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हम राई लेंगे। सौंफ का टेस्ट कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून अजवाइन, साबुत धनिया लेंगे इसे थोड़ा क्रश कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हींग, कसूरी मेथी, लास्ट में हम डालेंगे मेथी दाना, करी लीव्स, अदरक लहसुन का पेस्ट और स्लाइस करी हुई प्याज डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। 2-3 मिनट में ही हमारी प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें बेसन, दही और पानी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे। इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को फुल करना है और कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है। जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देंगे। हमें कढ़ी को 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। जब तक कढ़ी हमारी अच्छे से पकती है तब तक हम बेसन के पकोड़े बना लेते हैं। इसके लिए एक बॉल में 1 कप बेसन डाला है। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, क्रश करा हुआ साबुत धनिया, कसूरी मेथी, 1 चॉप करी हुई प्याज और 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकोड़े के लिए बैटर रेडी करेंगे। हमारे पकोड़े का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के पकोड़े बना लेंगे। हमें छोटे छोटे पकोड़े बनाने हैं क्योंकि ये बाद में फूल जाते हैं। हमारे पकोड़े एक तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे। हमारे पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी कढ़ी को पकते हुए लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। ये थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। इस टाइम हम इसमें नमक डालेंगे। हमें कढ़ी में नमक पहले नहीं डालना है, नहीं तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। चलिए अब हम फाइनल तड़का रेडी कर लेते हैं। इसके लिए गैस पे एक पैन रखेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी डालेंगे। देसी घी का फ्लेवर कढ़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई और थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब हम इसमें 1 प्याज को स्लाइस में काट के डाल देंगे। थोड़े से करी लीव्स और 2-3 साबुत लाल मिर्च डाल के प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
हमारी प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है, इट मीन्स हमारा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। हमारी कढ़ी पक चुकी है, अब हम इसमें एक चम्मच क्रश करी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। ध्यान रखना है कसूरी मेथी हमेशा लास्ट में ही डाली जाती है। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें जो हमने कढ़ी के लिए पकौड़े रेडी करे हैं वो डाल देंगे। लास्ट में हमने जो तड़का रेडी किया है वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें कढ़ी बनानी है पर हमारे पास खट्टा दही नहीं है, तो इसके लिए एक गर्म पानी का बॉल लें और इसमें दही वाले बॉल को 1 घंटे के लिए रख दें। आपका दही खट्टा हो जाएगा और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। फाइनली हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे गार्निश कर लेंगे। चावल के साथ कढ़ी को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।